मुरैना जिले के जोरहाट शहर में नवीन स्वास्थ्य भवन पर विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया था, जिसमें सभी प्रकार की बीमारी से ग्रसित लोगों का इलाज किया, साथ ही नेत्र रोगियों का परीक्षण कर ऑपरेशन किया। इस शिविर का आयोजन डॉक्टर रवि महेश्वरी ने अपनी स्वर्गीय मां मोहन प्यारी देवी की पुण्य स्मृति के अवसर पर किया, जिसमें अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर के विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा सभी प्रकार के मरीजों का चेकअप कर कुशलता पूर्वक इलाज किया, साथ ही सभी मरीजों को दवा वितरित की गई। वही 26 नेत्र रोगियों का परीक्षण कर ऑपरेशन किया। इसके अलावा मरीज को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जगह जगह काउंटर बनाए गए हैं। वही सुरक्षा की दृष्टि से थाना प्रभारी उदय भान सिंह यादव एवं महिला डेस्क प्रभारी ममता गुर्जर पूरे दलबल के साथ मौजूद रहे। मुरैना से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आज कार्यक्रम विशाल शिविर लगाया जा रहा है और इसमें मेरी सर्जरी आंखों की सर्जरी जो 50 केस हुए कल 25 टोटल 25 आज हो गए। सुपर स्पेशलिटी में भी काफ़ी अरविंदो टीम की यहाँ पर बड़ा योगदान है और इसमें मल्टी स्पेशल सारे मरीज उनका नियमित चेकअप और कई तरह की जाँचें चेकअप पूरा जाँच हो रही है और उपचार हो रहा है। किसके द्वारा सर ये कार्यक्रम रखा गया है? ये कार्यक्रम में क्या है, ये हमारे वैष्णव परमा से हमारे जो हमें न्यास ये हमारे विश्व माधव उनकी माता जी की स्मृति में ही उन्होंने शिविर का आयोजन किया है। उस शिविर आयोजन में कितनी बीमारी को इलाज चल रहा सर? ये लगभग सभी बीमारियाँ हैं, जिसमें कैंसर से लेकर सामान्य बीमारियों के मरीज हैं। इसमें प्राय सर देखने को मिला कि बाहर से बहुत सारे डॉक्टर आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से डॉक्टर आए हुए हैं? इसमें मेरी आर्मी का मेडिकल कॉलेज इंदौर से पूरी टीम आई हुई थी। उन्होंने महिलाओं का भी उसमें इन्वेस्टिगेशन है, जैसे बांझ पन का है, जैसे कैंसर का है और अन्य बीमारियाँ भी हैं बच्चों से लेकर। कितने दिन का कार्यक्रम है सर? ये अभी 2 दिन का शिविर का कार्यक्रम है, जिसमें कल का। इसमें लगभग कितने पंजीयन हुए हो सर अभी तक? अभी तक जो कल का रिपोर्ट है वो 4370 के करीब पंजीयन हुए हैं, उनको उपचार से जाँच हो गई। लगभग कहाँ तक उम्मीद करते हैं कि कितने रेस्ट हो सकते हैं? लगभग 5 से 6 के करीब आज भी उम्मीद है कि ये 2-3 महीने का उपचार कर जाएगा। कल प्रथम दिन था, इस दिन काफ़ी मरीजों का यहाँ पर सब विषय के लोगों ने मेडिकल चेकअप किया, आँखों वालों ने आँख का चेकअप किया और आई ब्रो और चश्मे वितरित किए। साथ में तकरीबन 25 मरीजों को चिन्हित किया गया था, जिनकी सभी जाँचें कराने के बाद उनके यहाँ सफल मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए। आज उन 25 मरीजों को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं और आज के दिन का हमारा टारगेट है कि 26 जो चिन्हित मरीज हैं उनका सब जांच कराने के बाद आज ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन की प्रक्रिया आज सुबह से चालू हो चुकी है और बाकी हर विषय के विशेषज्ञ जो यहाँ हैं तो पूरे लोग जितने भी लोग आए हुए हैं हम शाम तक प्रयास करेंगे कि हर विषय के लोगों को पूर्ण रूप से जो स्वास्थ्य मिलना चाहिए वो मिले। सर कहाँ कहाँ से डॉक्टर आए हुए हैं? डॉक्टर कहाँ कहाँ से आए हुए हैं? सभी डॉक्टर अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हैं, कोई डॉक्टर बाहर का इधर उधर का नहीं। लगभग कितने डॉक्टर होंगे सर यहाँ इस शिविर में? कितने डॉक्टर उपलब्ध होंगे सर इस शिविर में? करीब 20 तो विशेषज्ञ आधिकारिक तौर पर जो उस विभाग के अध्यक्ष वो है और करीब 60 उनके सपोर्टिंग डॉक्टर्स, टोटल डॉक्टर की संख्या करीबन 80 है। इसके साथ जनरल मेडिकल स्टाफ तैयारी रोगी की तैयारी टेक्नीशियन फार्मासिस्ट ये सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, इनकी संख्या तकरीबन 50-52 है। अभी तो सर कितने पंजीयन हो गए होंगे अभी तक? कल तक पंजीयन काफ़ी 3-4 हज़ार के हो चुके थे, आज संभावना है कि 2 हज़ार बनाए। कब तक चलेगा सर ये शिविर? आज तक जी सर। ये भावना सर आपके दिल में कैसे जागृत हुई? कुछ माता जी का आज पुण्यतिथि है, आज से 2 वर्ष पहले माता जी शांत हुई थी, उसके बाद से हमने प्रयास किया तो मास्क केयर भी कैंप लगाया था, प्रभु कैंप मंदिर में लगाया था और उस कैंप में 1800 मरीजों का परीक्षण हुआ। उन 1800 मरीजों के परीक्षण के बाद हमें ऐसा लगा कि मरीज सिर्फ दवा भर लिखने से काम नहीं करता, उसके संबंध में जो जाँच है और उसकी फाइनल निदान के लिए जो परामर्श होना चाहिए वो हो। इसलिए आज हमने इस बार इस कैंप को 2 दिन का रखा और यहाँ पर चिन्हित होने के बाद
सभी प्रकार की जाँच, एक्सरे, पूरे ब्लड टेस्ट, मेमोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, ईईजी, न्यूरोसर्जरी संबंधित पूरी जाँचें, डेंटल संबंधित पूरी जाँचें, महिलाओं के स्तन कैंसर और बच्चेदानी के कैंसर की जाँचें, ये सभी जाँचों की सुविधा यहाँ उपलब्ध है और इन सबको करने के लिए सर हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से ये कहना चाहेंगे, चूँकि दो दिन के लिए अभी हमने ये प्रयास किया, उस प्रयास में हमें सभी का सहयोग मिला। उसके बाद जिलाध्यक्ष महोदय ने इस बिल्डिंग में कैंप बनाने की हमको अनुमति दे दी और उस अनुमति के फलस्वरूप हमने इसको इस तरह से डेवलप किया कि ये एक अस्पताल का रूप ले लेकिन लेकिन फिलहाल हमने इसको अस्पताल के अंदर पहले से था लेकिन उसको आधुनिक बना दिया। उसमें जो भी खर्चा आया वो हमने बहन किया सिर्फ इसलिए कि एक परपाटी चालू हो जाए कि भविष्य में भी आँखों के ऑपरेशन या अन्य बड़े से बड़े ऑपरेशन यहाँ हो सके। जब यहाँ सब कुछ वैसे मिल सके हाँ, आँख का ऑपरेशन हो गया तुम्हारा? कैसा लगा? अच्छा लगा। कोई पैसा पैसा तो नहीं लगा है? नहीं, मतलब ऐसा और कहीं दूसरी जगह इस तरह की सुविधा मिलती है क्या? नहीं, कहीं करवाया ही नहीं, यहीं करवाया है। अच्छा, बाकी सारी व्यवस्थाएं आपको मिली है ना? चलो, अब छुट्टी कब होगी? पता नहीं कब करेंगे। क्या नाम होता है? काय के लिए आई हो यहाँ? ऑपरेशन हो गया? कोई पैसा वैसा लगा क्या? नहीं लगा। तो फ्री में ऑपरेशन हुआ है? कोई दिक्कत आई क्या? नहीं आई। अच्छा ऑपरेशन हुआ है? अच्छा। व्यवस्थाएं कैसी रही यहाँ? अच्छी रही। क्या मिला आपको व्यवस्था अच्छी में? नाश्ता मिला सुबह। हाँ, और शाम को खाना मिला आपको? ठीक है। क्या नाम होता है आपका? क्या अनु। कहाँ से आई है माता जी आप? जोरा से। काय के लिए आई थी? बन गई? बढ़िया तरीके से बनी? कोई दिक्कत तो नहीं आई? अब तब तो हाँ, सुविधाएं कैसी रही आपको? खाने पीने की, खाने पीने की देखभाल ठीक रही कि नहीं? बढ़िया व्यवस्था रही? हाँ, ठीक है।